हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्ते टू चेंज लाइफ विद रचना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सब्सक्राइबर कम क्यों हो रहे हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे सब्सक्राइबर दीदी कम हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो मैं अपलोड करूं ताकि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये बातें आपको कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बताएगा। ऐसा होता है कि इसका मेन कारण जो है वो ये है कि जो यूट्यूब पर भागा दौड़ी मची हुई है उसके कारण ये होता है कि भाई मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूं, तुम मुझे करो। तो उसी से क्या होता है, जो यूट्यूब का लर्निंग सिस्टम है वो बहुत तेज है, उसको सब पता होता है। अगर आप 24 आवर्स से पहले सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी अनसब्सक्राइब हो जाता है और आपका भी अनसब्सक्राइब हो जाता है। दूसरा कारण है कि जब आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं और उसकी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, तब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, तब भी अगला बंदा अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन यही है कि अगर कोई आपको सब्सक्राइब करे तो आप उसको 24 आवर के बाद ही सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी कोई छोटी से छोटी वीडियो फुल वॉच करें, उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब करें, तब जाकर आपके सब्सक्राइबर रुकेंगे। नहीं तो फिर यही होगा कि आज आपके सब्सक्राइब बढ़े और कल कम हो गए। सबको साथ चलना है, सबको चैनल मोनेटाइज कराना है, सबको 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा करना होता है, वॉच टाइम भी पूरा करना होता है, सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करें उसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे का वेट ज़रूर करें। थोड़ा वेट करने में 24 आवर्स कुछ ज़्यादा नहीं होते। अगर किसी को आपने सब्सक्राइब करा है तो उसका 24 आवर के लिए आप वेट करिए, तब आपको वो रिटर्न दे, और उसके बाद आप दोनों के सब्सक्राइबर रुकेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।